परिणीता से शकुंतला तक। यू नो, मैं बिल्कुल तैयार थी जब परिणीता मुझे मिली। तब तक तो आई न्यू परिणीता, आई न्यू ललिता। मेरा ये था कि इसमें मैं अपनी पूरी कसर पूरी कर लूं ना, तो इसके बाद जो हो सो। दर्जनों फिल्मों से निकाले जाने से लेकर बॉलीवुड की सुपरस्टार बनने तक। That was a very tough time because मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। सब पहले तो बढ़ा चढ़ा के कह रहे थे कि अरे हमने इतनी अच्छी बातें सुनी आपके बारे में, ये अलाना फलाना, you know, और suddenly उसके बाद गायब। फिल्मों के लिए अपशकुन कहलाए जाने से लेकर तमाम अवार्ड से सम्मानित होने तक। एक और मलयालम फिल्म की वो भी बंद पड़ गई, एक तमिल फिल्म की उससे मैं निकाल दी गई, बिकॉज तब तक उनको भी पता चल गया कि वो इसे इन्हें अपशकुन माना जा रहा है, तो उन्होंने भी रिप्लेस कर दिया। बॉडी वेट और ड्रेसिंग स्टाइल पर ताने सुनने पर परेशान होने से लेकर उनके साथ समझौता कर लेने तक। आप किसी से मिलोगे ये नहीं पूछोगे आप कैसे हो, अरे कितनी पतली हो गई, कितनी मोटी हो गई, इसके अलावा आपको कुछ दिखता नहीं है। बहुत रोई, बहुत गुस्सा हुई, कभी कभी बहुत खाया, कभी कभी कुछ भी नहीं खाया। हताशा निराशा के दौर से गुजरकर उनको स्वीकार कर लेने तक। एक फिल्म से मुझे ये कह के निकाला गया कि चेहरा तो देखिए अपना, यू नो, फिर 6 महीने तक मैंने अपना चेहरा आईने में नहीं देखा, सो आई यूज्ड टू फील वेरी अगली। ये कहानी है हमारी सुलू की, जिससे हर किसी के लिए सीखने को बहुत कुछ है, और उसकी जिंदगी की ये पिक्चर डर्टी नहीं, एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। विद्या, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी विद रिचा में। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं वैसे अपने व्यूज को बताना चाहूंगी, जिंदगी विद रिचा जब शुरू हुआ था season 1, और उसके भी बहुत पहले से, मैं पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा मन था विद्या बालन से मिलने का, इनका इंटरव्यू करने का। आज season 5 में फाइनली हमको मौका मिल गया। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, पर आई गेस जब जब जो जो होना है तब exactly, तब कहते होता समय है। से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। अब आपकी जिंदगी को एक शो में समेटना है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे, यू सच एन अकॉम्प्लिश्ड वुमन। बट चलिए बचपन से शुरुआत करते हैं। जन्म आपका केरला में हुआ? नहीं, पली बढ़ी मुंबई में। मुंबई में? अच्छा, जन्म भी मुंबई में हुआ। अच्छा, यू नो विकिपीडिया सेज यू वर बोर्न इन केरला। आई नो, आई हैव ट्राइड टू चेंज इट। नो, चेंज किया, बट समवन चेंजेस इट बैक। वही पढ़ के ऐसे, अच्छा, बोर्न इन केरला, यही पैदा हुई, यही मेरी परवरिश हुई है, पढ़ाई हुई है, यही मेरी कर्म भूमि है। सब कुछ मुंबई है मेरे लिए। How were you as a child, as a young girl? ये तो मुझे पता है, आपका एक इंटरव्यू में देख रही थी कि आप कह रही थी कि मैं बहुत मोटी थी। हाँ, बहुत मोटी थी और बहुत ही, मतलब, बिंदास थी। खाना मुझे बहुत अच्छा लगता था और that was my only focus. खेलना वेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो मेरी माँ रोज मुझसे कहती कि बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ खेलो, और मैं जाती भी, पर अगर किसी ने कह दिया कि तुम्हारा डेन है तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता, फिर मैं रूठ के वापस आ जाती। स्पॉइल्ड ब्रैट? नो, नॉट रियली, पर मुझे, मैं दौड़ वौड़ नहीं सकती थी। मेहनत नहीं करती। हाँ, और मेरी सिस्टर बिल्कुल ऑपोजिट, वो मुझसे 4 साल बड़ी है, प्रिया, पर उसको, मतलब, घर वापस ले आना एक टास्क होता था। हाँ। और मुझे घर से धकेला जाता था बाहर। माय मॉम यूज्ड टू से जस्ट गो आउट, जस्ट ब्रीथ सम फ्रेश एयर। और ऐसा भी नहीं कि बुक्स का शौक था, टीवी बहुत अच्छा लगता था। आई गेस वी आर ऑल दैट जेनरेशन, जब नया टीवी आया था, और यू नो मैं टीवी के सामने बैठी रहती थी, सब कुछ देखती थी। हम तो जमाने में कृषि दर्शन भी देखते थे। एग्जैक्टली, कुछ समझ में भी नहीं आता था, फिर भी बैठ के देखते थे। तो यू नो इट वॉज अ वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड, सिंपल, हैप्पी चाइल्डहुड इन चेंबूर, विच इज अ साउथ इंडियन सबर्ब। आज तो यू नो हर भाषा के, मतलब, गुजरातीज हैं, महाराष्ट्रियंस हैं, पंजाबीज हैं, सभी हैं, पर जब मैं बड़ी हो रही थी तब यू नो ज़्यादातर साउथ इंडियंस ही हुआ करते थे चेंबूर में। और दो लड़कियां, हमें हर चीज़ की छूट थी। यही था कि अगर आसमान को छूना है तो हाथ ऊपर करना पड़ेगा, यू नो, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, पर अगर चाह है तो कुछ भी मुमकिन है। We had been brought up
we've been brought up like that. A simple middle class family. घर में माहौल कैसा था? Yeah, very, very, literally very simple. You know, my mother is a homemaker, and my father used to work with a pharmaceutical company for a long time. और फिर जाके cable television उन्होंने बहुत late, I think 1990s में कहीं join किया, पर उससे पहले इस industry से कोई ताल्लुक था ही नहीं, दूर तक नहीं, बिल्कुल नहीं था. So my sister and I, you know, वो मेरी hero रही हैं हमेशा, because I even today I admire the way, you know, she just commands attention wherever she goes. भाषा आए ना आए, अगर गुजरात में है तो गुजराती बोल लेगी, अगर बंगाल में है तो बंगाली बोल लेगी वो, मतलब she's just very, you know, she's got a lot of, जो कहते हैं चुत्सपा, and she's very very lively. And भाषाएं आपको भी काफ़ी सारी अब तो? हाँ हाँ, पर वो तो मतलब मैं फिर भी थोड़ी बहुत बंगाली जानती हूँ, पर वो जानती नहीं है फिर भी काम चला लेती. She's one of those, you know. And she's in advertising. She's doing very well in advertising. पर जब बड़े हो रहे थे तब मैं उससे कहती रहती थी कि मुझे एक्टर बनना है. तो शी यूज टू टेल मी कि एक्टर सिर्फ चेहरे से नहीं बनते. यू नो, अच्छा खूबसूरत चेहरा हो तो तुम्हें लगता है कि एक्टर बन सकती हो, ऐसा नहीं है. यू हैव टू फील वॉट यू पोर्ट्रे. और तब तो कुछ समझ में नहीं आता था, पर सुनती रहती थी मैं. देन शी वुड शो मी वेरियस काइंड ऑफ फिल्म्स. यू नो, एक्चुअली वो सैटरडे को जो दिखाया जाता था दूरदर्शन पे, हम सभी, दैट वॉज अ वन फिल्म वी वुड वॉच. और कभी कोई नॉन हिंदी, मतलब अदर इंडियन लैंग्वेज फिल्म जो संडे आफ्टरनून देखते थे, बस यही था. और सारे कजन्स हमारे ज़्यादातर चेंबूर में थे, तो ऑल आर फ्री टाइम वॉज स्पेंट ऑफ वेकेशंस में यहाँ वहाँ आना जाना. और दोस्त बहुत थे वहीं, यू नो, वी न्यू एवरी वन इन चेंबूर. लिटरली क्लासिकल म्यूजिक सीखा है या कर्नाटक, बिकॉज आप साउथ इंडियन हो तो कोई चारा ही आना, नहीं आना चाहिए. भरतनाट्यम सीखा है, पर एक वक्त के बाद तो मैंने छोड़ दिया, बिकॉज आई वॉजंट दैट इंटरेस्टेड टू बी ऑनेस्ट. एंड या यही. पढ़ाई में कैसी थी आप? आई थिंक अबव एवरेज. यू नो, बहुत मेहनती रही हूँ हमेशा से. तो वो जो गधा मजदूर कहते हैं ना, मुझे गधा मजदूरी बहुत अच्छी लगती है. जहाँ जरूरत भी नहीं है वहाँ मैं मेहनत करती थी. यू नो, एंड माय मॉम यूज्ड टू से बहुत तुमने कर लिया है, बस हो गया. एंड द एग्जैक्ट ऑपोजिट विद माय सिस्टर. यू नो, पर क्या था कि वो बुक ऐसे, she would just glance through some it, some sharp people, huh? And she would just be ready, whereas main bahut, I think dar ke wajah se main bahut extra mehnat karti thi. That was my personality. Ab thodi bahut badal gayi hu. Aapne acting ki jab baat ki to main in fact puchna chah rahi thi ki simple middle class families mein zyada tar kya hota hai, aur hamare zamane mein doctor, engineer, अगर ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके बाद आप आईएएस सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे. हमारे यहाँ तो या तो चार्टर अकाउंटेंसी या सीएस, यही होता था. या ऑल माय कजिन्स हैव डन देयर, मे बी अ कपल ऑफ देम हैव डन इंजीनियरिंग और समथिंग. एक्टिंग मतलब किसी ने थिएटर भी नहीं किया था, कि कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई हमारी फैमिली से फिल्मों में काम करेगा कभी. मतलब इट वॉज एन इम्पॉसिबिलिटी, आप समझ भी नहीं सकते. आपके मन में कैसे आया? मैंने आई वॉच माधुरी दीक्षित ने 1-2-3 और मुझे प्यार हो गया. प्यार तो हमको भी होता पर हमने एक्टर बनने का नहीं. नहीं, पर तब ये जो भूत सवार हुआ ना, वो कभी उतरा नहीं. तो मेरे पेरेंट्स को लगता था कि हाँ, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा आईना था और मैं दरवाज़ा बंद करके आईने के सामने 1-2-3 चला के, हमारे पास एक ही टेप हुआ करता था. माय पेरेंट्स वुड नॉट एनकरेज ऑल दिस, यू नो, पर वो तेज़ाब का और कयामत से कयामत तक, इन दो फिल्म्स के सॉन्ग्स हमारे पास थे एक ही कैसेट पे. वो ए साइड बी साइड हुआ करता था. उसको रिवाइंड कर दिया या घिसा दिया था उस टेप को हमने, स्पेशली मैंने. तो वो बस मैं सिर पे एक स्कर्ट पहन के, मेरी बहन के पास एक ब्राउन सिल्क स्कर्ट था जो उसे नापसंद था, तो
तो मैं वो यूज़ करती थी ऐसे ट्वर्ल करके, माधुरी की तरह मैं नाचती रहती थी, अगर आप ना बोले तो मैं नाचने लग जाती, इस तरह का भूत सवार था माय पेरेंट्स. और हाँ, ये तो होता है, सबके साथ होता है, पर माइन डिडंट फेड, इट ओनली गॉट स्ट्रॉन्गर विद टाइम. फिर यू नो अराउंड दैट टाइम आई थिंक आई स्टार्टेड टेलिंग माई सिस्टर मुझे एक्टर बनना है, और हम साथ में फिल्में बैठ के देखते थे, और शी वुड टेल मी अच्छा इस तरह की फिल्म को ना आर्ट फिल्म कहते हैं, इस तरह की फिल्म को कमर्शियल. तब तो वो फ़र्क भी था, आज तो नहीं है. तो ये सब मैं देखती रहती थी. आई रिमेंबर वॉचिंग यू नो जूली लक्ष्मी, जो फिल्म बनी थी जूली याद, हाँ, उसमें जो हीरोइन थी उनका नाम जूली लक्ष्मी पड़ गया था उसके बाद, एंड शी इज़ अ बिग एक्टर इन तमिल सिनेमा. तो एक फिल्म मैंने उनकी देखी और उससे मैं बहुत ही इन्फ्लुएंस हुई थी उनके परफॉर्मेंस से, बहुत मतलब दमदार परफॉर्मेंस था. तो धीरे धीरे आई बिगैन टू वॉच दीज थिंग्स अननोइंगली, यू नो, कब ये एक जो है फुल फ्लेज्ड पागलपन ऑब्सेशन कब हुआ मुझे नहीं पता, पर धीरे धीरे होता गया. देन आई स्टार्टेड रीडिंग, यू नो, मैगजीन्स में पढ़ती रही. वो एक सत्यजीत रे का एक इंटरव्यू पढ़ा मैंने उस वक्त जब उनको ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा जा रहा था. तो आई रेड इट, आई थॉट कि किसी तरह ये ठीक हो जाए मैं और मैं इनके साथ काम करूँ तो मज़ा आ जाएगा. या एंड देन आई रिमेंबर व्हेन राज कपूर पास्ड अवे, यू नो, उन्होंने लगातार उनकी सारी फिल्में दिखाई. आई रिमेंबर दूरदर्शन पर, एंड माय फादर एंड आई सैट एंड वॉच्ड ऑल ऑफ दोज. सो ऑल ऑफ दीज वर द अर्ली इन्फ्लुएंसेस. आई थिंक प्रॉब्ली उस समय इतना एहसास नहीं होगा कि ये करना है, बट वो कहीं ना कहीं ये बिल्ड हो रहा था, बिल्ड हो रहा था धीरे धीरे. ओके, सो देन कमिंग टू कॉलेज और योर यंगर ईयर्स, वो कैसा टाइम था? ये जो ऑब्सेशन था कितना बढ़ चुका था, पढ़ाई से ध्यान कितना भटक चुका था? टेल अस अबाउट योर कॉलेज डेज. यू नो आई जॉइन जेवियर्स, और जॉइन करते ही मुझे आई थिंक टाइफॉइड हो गया था, तो मैं कॉलेज नहीं जा पा रही थी. पर मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जिसने कॉलेज में एक पोस्टर पढ़ा कि वांटेड एक्टर्स फॉर एन ऑडिशन फॉर अ टीवी शो बेस्ड इन अ कॉलेज, मतलब एक जैसे कैंपस टाइप सीरियल के लिए वो ऑडिशन कर रहे थे. सो शी टोल्ड मी, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स के बाद आई वेंट एंड डिड अ वर्कशॉप एट पृथ्वी थिएटर 2 महीने का. इट वॉज अ प्रोडक्शन ओरिएंटेड ड्रामा वर्कशॉप. एट द एंड ऑफ इट हमने एक ड्रामा प्रस्तुत किया, एंड यू नो हम सिर्फ हमारी फैमिली और फ्रेंड्स ही आए थे देखने, पर लगा कि यार हमने क्या अचीव कर लिया है, यू नो. एंड आई यूज टू कीप थिंकिंग शबाना आजमी का घर बिल्कुल सामने है पृथ्वी के, तो मैं सपने देखा करती थी कि शी सीज मी एंड शी सेज ओ यू नो दिस इज द गर्ल जो हिंदी सिनेमा का नाम रोशन करेगी. पर बिकॉज आई वॉज सो इंटरेस्टेड, वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, एक्चुअली माई सिस्टर्स वेरी क्लोज फ्रेंड, ही ट्रीट्स मी लाइक अ लिटिल चाइल्ड, प्रवीण, ही सेड यू नो मैंने पृथ्वी थिएटर में वर्कशॉप्स हो रहे हैं, मैंने इस बारे में पढ़ा है, वुड यू बी इंटरेस्टेड? सो ही एंड माई सिस्टर टुक मी देयर टू पृथ्वी, एंड आई एनरोल्ड इन द वर्कशॉप. वो सब हुआ, और फिर उस वजह से दिस फ्रेंड ऑफ माइन व्हेन वी जॉइंड जेवियर्स, शी सेड यू नो इफ यू डन दिस वर्कशॉप आर यू इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, दे आर लुकिंग फॉर एक्टर्स. तो मैंने कहा ठीक है, मैं ठीक हो ही रही थी तब, तो आई सेड व्हाट विल आई हैव टू डू? शी सेड फोटोज भेजने होंगे तुम्हें. सो वी वेंट टू अ लोकल फोटो स्टूडियो एंड वी टुक, वो जो शादी में कपड़े नहीं पहनते बेस्ट कपड़े जो हमारे पास थे, और मेरी सिस्टर ने मेरे बाल सवारे और मेकअप थोड़ा बहुत किया, आई लाइनर किया था, लिपस्टिक किया, एंड शी टोल्ड मी हाउ टू पोज एंड ऑल दैट. हमने फोटो शूट किया, फिर मेरी बहन ने एक बायोडेटा लिखा मेरे लिए और भेज दिया, और मुझे कॉल आया ऑडिशन के लिए. मैं वहाँ पहुँची तो 150 लोग थे एक दिन में, दे वर गोइंग टू ऑडिशन 150 पीपल, और फिर पता चला कि एक्चुअली 900 लोगों ने एप्लीकेशन भेजे थे और 150 लोगों को उन्होंने बुलाया. मेरा ऑडिशन हुआ आई थिंक शाम के कुछ 7-8 बजे, हम लोग 8 बजे सुबह के गए हुए थे, और फिर मेरी माँ और बहन भी आई हुई थी साथ में. ऑडिशन हुआ
और मैं सिलेक्ट हो गई, 30 ऑफ आस गॉट सिलेक्टेड, शो की शूटिंग शुरू हो गई। मैं तो, मुझे लगा कि अब तो हो गया, हाँ अमिताभ बच्चन बनने में इतनी सी देरी है इतना कॉन्फिडेंस मैं क्या बता सकती हूँ, यू नो। अब क्या उम्र थी आपकी? आई वॉज 15 and a half. ओह माय गॉड, सो या सो यू नो, कैन यू इमेजिन, सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, सडनली हो गया, इतनी आसानी से हो गया। वी स्टार्टेड शूटिंग, शूट बहुत अच्छा हुआ, पर फिर वो सीरियल कभी निकली नहीं। ओह, यू नो, जिस चैनल के लिए बन रही थी वो चैनल बंद पड़ गई, फिर कहीं और उन्होंने बेचा, पर कुछ हुआ नहीं, वो कभी निकला नहीं, तो मेरा दिल टूट गया था। पर इस बीच एकता एक डेली सोप शुरू कर रही थी, हम पांच वॉज ऑलरेडी ऑन एयर, तो उन्होंने हम सारे एक्टर्स को ऑफिस बुलाया फॉर एन ऑडिशन फॉर द डेली सोप। मैं वहाँ गई, ऑडिशन दिया, अगले दिन कॉल आता है कि वी वॉन्ट टू रिप्लेस वन ऑफ द एक्टर्स इन हम पांच, कैन यू कम एंड मीट मी। शी कॉल्ड मी डायरेक्टली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। मैंने कहा ठीक है, मैं, मेरी सिस्टर और मैं गए वहाँ, और शी सेड, यू नो, एनी अदर गर्ल इन योर प्लेस वुड हैव बीन सो एक्साइटेड। तो आई सेड हाँ, आई टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आई डिडंट वॉन्ट टू लुक डेस्परेट, यू नो। आई गेस दैट दैट मिडिल क्लास, वो डर होता है ना कि किसी को अगर लगे कि आपकी ज़रूरत है तो शायद आपको एक्सप्लॉइट करें। तो आई थिंक आई डिडंट वॉन्ट टू शो माई एक्साइटमेंट एट ऑल, बट आई डिड हम पांच फॉर 1.5 years, एंड इस बीच जेवियर्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होने लगे बिकॉज अटेंडेंस हर बार मैं ब्लैकलिस्ट हो रही थी। सो फाइनली माई पेरेंट्स सेड, लिसन, 3 बार ब्लैकलिस्ट में आ चुकी हो, इसके बाद वो लोग सस्पेंड करेंगे या फिर हमको बुलाएंगे या ऐसा कुछ होगा। तो दे सेड अब यू नो फॉरगेट अबाउट इट, सो आई हैड टू क्विट हम पांच। ऑफकोर्स आई वॉज एंग्री विद देम, उनके साथ बहुत मैंने झगड़ा किया बिकॉज एक्चुअली आई वॉन्टेड टू क्विट स्टडीज, मुझे बहुत टी वी ऑफर्स आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं टी वी में काम करना चाहती हूँ, ये तो सपना है बचपन से। या सो आई सेड मैं, यू नो, इतनी आसानी से काम मिल रहा मुझे करना है? दे सेड नो वे, जब तक तुम यहाँ हो, यू नो, तुम्हें पढ़ाई ख़त्म करनी, और राधा अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो पढ़ाई ख़त्म करनी होगी, काम के लिए तो जिंदगी भर, यू नो, यू कैन वर्क वेन एवर यू वॉन्ट। तो आई रिमेम्बर कुछ दिन मैंने अपने पेरेंट्स से बात नहीं की, मुझे लगा कि यार मेरे सपनों का गला घोट दिया उन्होंने, यू नो हाउ ड्रामेटिक आई यूज टू बी। पर यू नो टूडे रिच, आई एम सो ग्रेटफुल दैट दे इंसिस्टेड, बिकॉज वो जो कॉलेज का एक्सपीरियंस है ना, वो दोबारा नहीं मिल सकता। आप वही पढ़ाई कॉरेस्पॉन्डेंट से कर सकते हो या यू नो बहुत तरीके हैं, या पर वो एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है, दैट ओपन्स अप योर माइंड। एंड आई रियली एंजॉयड माई कॉलेज ईयर्स, यू नो, कॉलेज में बहुत सारे हमारे एक्टिविटीज होते थे, तो मैं, यू नो, काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थी। Xavier's actually introduced me to cinema of all kinds. Okay. You know, I remember ek cinema week tha. Alag alag directors ki filmein dekhne ko mili. Phir Amami was starting. I don't remember the year, but 98. Early 98. Nahi, 98, 99 maybe. So they, you know, a friend of mine heard that they're looking for volunteers to go and introduce every film. Har film ke pehle audience ko film ka naam batana padta hai, cast se parichit karane, you know, just to introduce them to the cast and crew. So I said okay, they said we'll pay you. So great, and you were getting to watch films. Paise kabhi nahi aaye, but I think what I got from Mami was far more valuable. Experience of watching films from all over the world, you know. So actually maine filme tabhi dekhi जब बड़े हो रहे थे, तो लाइक आई सेड दैट संडे मूवी, वो भी माय मॉम वुड डिसाइड कि अच्छा ये वाली फिल्म देख सकते हो नहीं देख सकते। तो आई स्टार्टेड वॉचिंग फिल्म्स एट दैट टाइम, एंड इट्स बीन, यू नो, द लव अफेयर हैज कंटिन्यूड। बचपन में जब शुरू हुआ शौक और आपने कहा मुझे एक्टर बनना है, एंड यू सेड कि पेरेंट्स को लगता है ठीक है एक फेज है, बट जब ये उनको रियलाइज हुआ कि नहीं अब ये तो ये फेज नहीं है, ये सीरियस हो गया है, तब क्या कभी उन्होंने मतलब ये पढ़ाई के अलावा वैसे रोकने की कोशिश की कि नहीं थिंक ऑफ सम अदर करियर, कुछ और करो? ऑफ कोर्स, स्पेशली मेरी मम्मी ने, उनको तो, यू नो, आई रिमेंबर शी टोल्ड माय डैड कि आप चुप क्यों हो, यू नो, अगर आपकी जगह मेरे पापा होते तो इसको दो लगा देते अब तक, आप,
यू नो हाउ कैन यू कीप क्वाइट, इसको बढ़ावा दोगे तो कल को सच में उठ के कहेगी कि एक्टर बनना है. तो माय फादर वुड से वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, यू नो, बिकॉज उनको भी नहीं लगा कि ये सीरियस हो सकता है. बट आई हैव टू से कि जितना भी उनमें डर था, उन्होंने उस डर को मेरे आड़े नहीं आने दिया. यू नो दे डर डर के मुझे भेजते थे, सब जगह साथ आते थे, और बट आई थिंक दे फाइनली रियलाइज कि अच्छा इसे यही करना है, तो वी विल सपोर्ट हर इन वॉट एवर वे, इसका दिल ना टूटे. उनको बहुत डर ये भी था कि यू नो कहीं रिजेक्शन या फेलियर फेस किया तो कैसे झेल पाई. आई थिंक एवरी पेरेंट फील्स प्रोटेक्टिव, स्पेशली वेन यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट द प्लेस. पर फिर आई थिंक इनिशियली माई मॉम केम विथ मी फॉर माई फर्स्ट सीरियल एंड शी रियलाइज कि लोग बुरे नहीं हैं. यू नो इट रियली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, पर इट डिपेंड्स ऑन वॉट यू मेक ऑफ योर वर्ल्ड. एंड उनमें वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगा कि अच्छा ये अपने आप को संभाल पाएगी. जैसे परिणीता की शूट के लिए भी वो मेरे साथ आई थी, पर शी न्यू दादा एंड द एंटायर टीम, सो शी वॉज कॉन्फिडेंट. आई थिंक देन मैं बहुत लंबे आउटडोर पर गई किस्मत कनेक्शन के लिए, शी केम विथ मी देयर, पर शी यूज्ड टू गेट डैम बोर्ड ऑन सेट, बिकॉज टू जस्ट बी प्रेजेंट ऑन सेट इज अ वेरी बोरिंग थिंग. अगर आप काम नहीं कर रहे हो ना तो द सेट कैन बी रियली टॉर्चरस. एक दो दिन सेट पे आई, फिर उन्होंने कहा नहीं मैं यू नो होटल के आसपास घूम लूंगी या घूम लूंगी, और कुछ जान पहचान के लोग भी थे वहाँ. सो शी रियलाइज, उसके बाद शी सेड you know you're capable of taking care of yourself. तो मतलब बहुत gradually transition होता चला गया, कोई एक बहुत ऐसा moment नहीं आया था, कोई ऐसा दिन नहीं था जब विद्या को अपने parents से झगड़ा करना पड़ा हो कि नहीं अब this is what I want to do and I will do it at any cost. उस तरह का नहीं, I think it was slow. It's very slow, it was gradual. You know it was जैसे south में मैंने बहुत rejection face किया. serial करने के बाद मैं ad films करने लगी because that was convenient ना, एक आध दिन की shooting होती थी और पैसे भी मिलते थे मुझे. तो आई स्टार्टेड पुटिंग द मनी इन माय बैंक अकाउंट. बहुत अच्छी फीलिंग होती थी यू नो कि अच्छा अपने पैसे हैं. पर उसके बाद आफ्टर जेवियर्स व्हेन आई डिसाइडेड कि आई वांट टू बी एन एक्टर, माय पेरेंट्स वर ऑफ कोर्स वेरी वरीड बिकॉज कई सारे फ्रेंड्स मैनेजमेंट कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, एंड आई वॉज यू आर नॉट डूइंग एनी थिंग, यू नो जस्ट वेटिंग फॉर द बिग ब्रेक. ऑफकोर्स एड फिल्म में तो अभी भी कर रही थी. देन मैं एक एड फिल्म के सिलसिले में चेन्नई गई, तो वहाँ मॉडल कोऑर्डिनेटर ने मुझसे पूछा कि क्या आप मलयालम फिल्म करना पसंद करोगे. मैंने कहा पसंद करोगे मतलब यू नो ऑफकोर्स या. सो शी सेड नो विल यू ऑडिशन. तो मैंने अपने मम्मी पापा बहन सबको फ़ोन किया, मैंने कहा कि मोहनलाल के साथ फिल्म में ऑडिशन करने को कह रहे हैं, मैं करूं. दे सर हाँ करो, बिकॉज सबके फेवरेट हैं मोहनलाल हमारे यहाँ. तो आई ऑडिशन, और ऑडिशन देके मैं आ गई. मैं अगले दिन मुझे कॉल आया डायरेक्टर का कि मैं बॉम्बे आ रहा हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ. तो मेरे पापा मम्मी मेरी बहन और मैं चारों पहुँच गए वहाँ. डायरेक्टर तो डर गए थे कि क्या हो गया भाई पर दे मेट हिम एंड दे रियलाइज कि ओ ही इज सच अ डीसेंट मैन, यू नो. तो अगेन आई थिंक धीरे धीरे ना जैसे जैसे वो लोगों से मिलते रहे, उनमें भी ये कॉन्फिडेंस आता गया कि अच्छा यहाँ भी अच्छे लोग हैं. और देन आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर द फिल्म. फिल्म की शूटिंग हुई, दो हफ्तों के बाद फिल्म बंद पड़ गई. और फिर मैं बॉम्बे वापस आई, मुझे पता नहीं था कि फिल्म बंद पड़ गई है. बॉम्बे वापस आई तो काफ़ी लोग बात फैल गई थी कि अच्छा बॉम्बे की एक लड़की है पर मलयालम बोलती है. तो काफ़ी ऑफर्स आए मुझे, 7-8 फिल्मों के लिए मैं कंफर्म की गई. पर जब ये न्यूज़ ऑफिशियल हुआ कि ये फिल्म बंद पड़ गई है, सारी फिल्मों से मैं निकाल दी गई. सो दैट वॉज अ वेरी टफ टाइम बिकॉज मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, यू नो. सब पहले तो बढ़ा चढ़ा के कह रहे थे कि अरे हमने इतनी अच्छी बातें सुनी आपके बारे में, ये अलाना फलाना, यू नो. और सडनली उसके बाद गायब, और सारी बातें हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं. मतलब वो फिल्में बंद नहीं हो रही थी, आपको निकाला जा रहा था. सो माय मदर वुड रीड मलयालम मैगजीन्स और पता चलता कि ओ पर वर्नट यू सपोज टू डू दिस फिल्म, एंड आई वुड से या इट वाज लाइक दैट.
इट वॉज़ अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग टाइम एंड आई थिंक देन एक्चुअली तब मेरी मम्मी को लगा कि यार एक इसकी फिल्म कम्प्लीट हो जाए, एक बार इसकी तमन्ना पूरी हो जाए, उसके बाद मैं कुछ मांगूंगी नहीं आपसे. एंड आई थिंक माय पेरेंट्स एंड माय सिस्टर वर रियली, उन्हें बहुत खराब लग रहा था बिकॉज दे लव यू, तो वो चाहते हैं कि आप खुश रहें. एंड यू नो इट इज दिस प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट व्हिच स्केयर्स अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम जॉइनिंग द फिल्म इंडस्ट्री बिकॉज इट्स सो वॉलेटाइल. इसके बाद मैंने दो तमिल फिल्में की और नहीं एक और मलयालम फिल्म की, वो भी बंद पड़ गई. एक तमिल फिल्म की, उससे मैं निकाल दी गई बिकॉज तब तक उनको भी पता चल गया कि वो इसे इन्हें अपशकुन माना जा रहा है, तो उन्होंने भी रिप्लेस कर दिया. फिर के बालचंदर का नाम सुना होगा आपने, एक दूजे के लिए जिन्होंने बनाए, ही साइन मी फॉर टू फिल्म्स. और फिर पता चलता है कि हम लोग न्यूजीलैंड जाने वाले थे, 20 डेज बिफोर द शूट उन्होंने पासपोर्ट कुछ नहीं मांगा, तो आई स्टार्टेड गेटिंग अ फनी फीलिंग. मैंने उनको कॉल किया तो उनकी बेटी ने मम्मी से कहा कि नहीं यू नो ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, वी कास्ट अ नोन एक्टर. तो कैन यू इमेजिन अ डजन फिल्म्स डिडंट वर्क आउट फॉर मी. अब जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि यू नो आई वॉज रियली आई डोंट नो हाउ आई गॉट थ्रू दैट पीरियड, पर आई थिंक इट वॉज फेथ. यू नो वॉट, टुडे आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि ये तो आपके बारे में सबको पता है कि इतनी फिल्मों से ये हुआ और जिंक्स कहा जाने लगा आपको. बट मैं कई बार जब मैं पढ़ती थी तो मैं सोचती थी कि आज विद्या बालन है, ठीक है ये बात कह सकती हैं, हम सब लोग रिजेक्शन फील करते हैं और हमें से कितने लोग गिव अप कर देते हैं लाइफ में कि नहीं हो सकता ये. आई रियली वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट क्या था उस वक्त जिसने आपको फेथ यू सेइंग, बट ओनली फेथ मतलब नो नो आई यूज टू बी वेरी एंग्री और सारा गुस्सा मैं अपनी मम्मी पे निकालती थी. यू नो माई सिस्टर हैड जस्ट गॉट मैरिड, शी हैड मूव टू बैंगलोर, मेरे पापा सुबह निकल जाते थे काम पे, एंड माई मॉम बिकॉज ऑफ हर यू नो शी प्रॉबली फेल्ट कि अच्छा शी इज़ फीलिंग वेरी लो किसी तरह. मैं रोज़ मुझसे कुछ ना कुछ कहती थी कि अच्छा तुम आज ओमकार कर लो या आज ये श्लोका पढ़ लो, और बहुत हमारे बीच झगड़े होते थे. आई थिंक उन्होंने भुगता है मेरा वो रिजेक्शन का फेज, एक्चुअली शी बोर द ब्रंट ऑफ इट. एंड आई थिंक यू शो यू एक्सप्रेस विथ योर क्लोजेस्ट पीपल ना बहुत. मतलब एक वक्त ऐसा था जब माई फादर टोल्ड मी आई वाज स्केयर्ड टू लीव यू एंड योर मॉम अलोन एट होम एंड गो, मतलब नॉट लिटरली बट बिकॉज मैं कुछ किसी ना किसी बात पे उनसे झगड़ती थी. And I don't feel proud of it today, but I know that I didn't know any better. You're just feeling frustrated, yeah, maybe. Yeah, frustrated because you feel so rejected. एक फिल्म से मुझे ये कह के निकाला गया कि चेहरा तो देखिए अपना. You know, फिर 6 महीने तक मैंने अपना चेहरा आईने में नहीं देखा. So I used to feel very ugly. And then everyone used to tell me that I'm a fat girl. तो मैंने बहुत मेहनत करके बहुत वेट कम कर लिया. तो उन्होंने कहा इतनी सूखी लकड़ी जैसे दिखती है. एंड आई वाज लाइक मैं क्या करूं जिससे कोई मुझे अप्रूव करे. यू नो हर किसी को मेरे से किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम है. सो इट वाज अ वेरी टफ टाइम. सो पर मैं अपनी फैमिली से बहुत बोलती थी, माय पेरेंट्स, माय सिस्टर, माय ब्रदर इन लॉ. और हमारे घर के पास एक साई बाबा मंदिर है चेंबूर में, मैं रोज़ वहाँ जाके साई बाबा के सामने बैठ के जोर से उनसे मतलब जैसे वार्तालाप कर रही हूँ ऐसे कॉन्वर्जेशन्स, ऑफ कोर्स वन साइडेड, पर उनका जवाब मुझे यहाँ मिल जाता था. पर रोज़ मैं जाके यू नो ऐसे वक्त में जाती जब कोई मंदिर में नहीं होता रात को, एंड मैं अपनी भड़ास निकालती. मैं कहती कि क्यों ये सपना क्यों दिखाया अगर पूरा नहीं करना था तो. और बहुत रोती थी, कभी कभी रोते रोते सोने जाती. पर फिर अगले दिन उठ के लगता कि अच्छा एक और दिन ट्राई कर लूँ. आई रिमेंबर माई फादर्स कॉलीग एट दैट टाइम, ही टोल्ड मी वन डे आई मेट हिम, ही सेड यू नो योर फादर इज वेरी वरिड अबाउट यू, पर वो कह रहे हैं कि तुम्हारा इतना विश्वास है भगवान पर कि तुम गिव अप नहीं कर रही हो. ही सेड पर अब बोल दो भगवान से कि बहुत हो गया. आई सेड नहीं, बहुत नहीं हुआ. I don't know where I got that kind of courage from. Yeah, I guess
आई एम माई पेरेंट्स डॉटर, उन्होंने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है और उसके बावजूद दे नेवर लॉस्ट देयर फेथ. तो यू नो आई ऑलवेज से आई हैड फोर पिलर्स इन माई लाइफ, माई पेरेंट्स, माई सिस्टर एंड माई ब्रदर इन लॉ. अब पाँच हो गए विद सिद्धार्थ. तो आज अगर आपके सामने कोई यंग विद्या खड़ी हो जो ऐसे ही रिजेक्शंस फेस कर रही हो, इतनी ही डिसअपॉइंटेड हो, उसको आप क्या कहेंगे? यही कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड अंटिल यू गिव अप. यू नो फेलियर इज नॉट द एंड, इट इज अ स्टेपिंग स्टोन, इट लिटरली इज. और मैंने देखा है हर बार जब मैं रिजेक्शन फेस करती या बहुत मायूस होती तो मुझे लगता है कि पर इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा. यू नो और फिर यू डोंट, यू आर नॉट एबल टू सी इट देन ना. आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे आप फ्यूचर देख सकते हो. फिर जब परिणीता मुझे, एक्चुअली उससे पहले मेरी पहली फिल्म एक बंगाली थी भालू थे को, और मैं प्रदीप सरकार के साथ काम करने लगी. उसी दौरान मैं दादा के साथ एक एड फिल्म के लिए कैलकटा गई. वहाँ के प्रोडक्शन मैनेजर ने मुझे देखा. वो फिल्म तब्बू करने वाली थी बंगाली में, पर उनके कुछ डेट इश्यूज, मुझे नहीं पता किस रीज़न से उन्होंने छोड़ दिया. तो लास्ट मिनट में दे वर लुकिंग फॉर टू रिप्लेस एज इन फॉर समवन टू प्ले दैट पार्ट. सो द प्रोडक्शन मैनेजर सॉ मी एंड ही वेंट एंड टोल्ड द डायरेक्टर, एक लड़की को मैंने अब देखा है, शी लुक्स परफेक्ट फॉर द पार्ट, यू कैन यू नो ट्राई हर आउट. सो आई थिंक फिर दादा से उन्होंने कुछ फुटेज मांगा होगा एड का, म्यूजिक वीडियोज के वगैरह, उन्होंने देखा एंड ही कॉल्ड मी एंड ही ऑफर्ड मी द फिल्म. एंड आई रेड द स्क्रिप्ट एंड आई इंस्टेंटली सेड यस. एंड आई सेड यस यू नो विद इन अ कपल ऑफ वीक्स आई वॉज इन कैलकटा शूटिंग फॉर द बंगाली फिल्म. बंगाली फिल्म कंप्लीट हो गई, कुछ महीनों में रिलीज हो गई और पता भी नहीं चला. यू नो तो माई पॉइंट इज दैट यू नो जो आपने शुरू में कहा था, जब जो होना है वो, या तब तब सो सो होता है. तो उससे पहले ना, समय से पहले ना, समय के बाद, इट इज हियर एंड नाउ. मैंने कभी आई थॉट कि ठीक है बंगाली फिल्म, एटलीस्ट मुझे फिल्म करने का मौका मिल रहा है. यू नो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर एंड आई लव बंगाली फिल्म्स, आई वांटेड टू वर्क विद रे, आई टोल्ड यू. तो मैंने कहा ठीक है, कोई मेरे लोग तो नहीं देखेंगे क्योंकि उनको भाषा आती नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी. मैंने कर ली, फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल गई, मिल गया. फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल गया और तीन तीन नेशनल अवार्ड मिले फिल्म को. मैंने कहा कि दैट्स वॉट यू नो वी प्लान कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पर हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है. एंड आई एम नॉट बीइंग फेटलिस्टिक, बट आई थिंक कि वी कैन ओनली पुट इन आवर बेस्ट. उसके बाद जैसे अगर आपके हाथ में एक बलून हो और आप चाहते हैं कि बलून आसमान में उड़े, जब तक आप उसकी डोरी छोड़ोगे नहीं, वो बलून आसमान में उड़ नहीं सकता. उसके बाद वो अपनी दिशा को तय. या एग्जैक्टली. बट जब ही आप बंगाली फिल्म कर रही थी, एक वो कॉन्स्टेंट फियर तो रहा होगा कि अब इससे भी ना निकाल दी जाऊं या इसमें भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि इतनी गड़बड़ सब हो रही थी. मैंने किसी को बताया नहीं. पिछली बार तो बहुत ढिंडोरा पीटा था मैंने, इस बार किसी को बताया नहीं. और मैंने कहा मेरे लोगों को पता भी नहीं चले, बिकॉज बंगाली कोई जानता नहीं है. यू नो वी आर नॉट रियली एविड फिल्म वॉचर्स ऑन एनीथिंग. तो चुपचाप दो हफ्तों में फिल्म कंप्लीट भी हो गई, करके आ गई. सौमित्र चैटर्जी के साथ मेरी पहली फिल्म थी, आई वॉज हैप्पी. मैंने कहा ठीक है, इट वॉज अ वेरी मॉडेस्ट रिलीज, इट इज वॉट दे यूज टू कॉल एन आर्ट फिल्म. बहुत मतलब कुछ लोगों ने देखी, पर जिन्होंने देखी अप्रिशिएट की, और बस आई वॉज हैप्पी कि प्रेमियर के लिए मेरी पूरी फैमिली गई थी कैलकटा. और वी सॉ बिग आउटसाइड द थिएटर, वी सॉ बिग होर्डिंग. आई रिमेंबर माई कजिन क्लाइम्ड अप ऑन द वॉल एंड टुक अ पिक्चर विद द होर्डिंग. यू नो बिकॉज लगा कि अच्छा शायद दिस इज इट फॉर हर. एक बार अब बड़े पर्दे पर उसने अपना चेहरा देख लिया, अभी शायद छोड़ देगी, या शायद उम्मीद छोड़ दे और ये मे बी शी विल फोकस ऑन समथिंग एल्स, बिकॉज
but things just kept happening. I remember, you know, when I was going through that phase in Malayalam cinema, ek journalist hamare yahan aaye the aur hum unhe jante nahi the, but he called and he said he wants to meet me. He came and said, main, a lot of people were feeling very bad for me. तो वो भी चेंबूर के हैं. तो उन्होंने कहा, यू नो, मैं हेल्प करना चाहता हूँ किसी तरह. मैं झूठ लिख देता हूँ कि आपको 4-5 फिल्मों के लिए साइन कर दिया है. एंड आई सेड नो. एंड माय फादर वाज सरप्राइज्ड. ही सर, इससे बहुत फ़ायदा होगा आपका. आई सेड नहीं, मैं झूठ बोलकर आगे बढ़ना नहीं चाहती. अगर मेरे नसीब में है तो होगा, नहीं तो फाइन, पर ये झूठ वूठ मैं बोल नहीं पाऊंगी. माई फादर वॉज वेरी वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड. बट एट द सेम टाइम आई थिंक देयर हार्ट्स वर ब्रेकिंग इवन मोर फॉर मी, यू नो, कि इतने आइडियलिस्टिक तरीके से क्या होगा इसका. थिंग्स डोंट वर्क दैट वे. बट एंड दैट्स व्हाई आई सेड फेथ. यू नो, फेथ की आई फील कि फाइनली एवरीथिंग वर्क्स आउट. और ये तब मुझे पता नहीं था, इस तरह से बोलने नहीं आता था शायद, पर ये एहसास हमेशा से था कि सब सही होता है अंत में. क्या बात है. तो उस दौरान का जो मुश्किल वक्त का कोई एक, कुछ यादें हमारे साथ रह जाती हैं हमेशा, अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, फैमिली टाइम, कोई एक याद आज आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे, एनी कॉन्वर्सेशन दैट्स वेरी स्पेशल टू योर हार्ट. There are lots of conversations, you know. I think more than anything else, I just remember the fights I used to have with my mother. And I'm emphasizing again and again on those fights because, you know, today there is a lot of talk about rejection and how kafi log rejection, you know, ko handle nahi kar pate. But I don't think it's easy for anyone to handle rejection. I don't think I handled it well. But thankfully, I have a very supportive family who understood, who supported me despite everything. But also, I'm very transparent with them. मैं उनके सामने ऐसा नहीं है कि मैं अपने ही अंदर घुट रही थी. मैं express करती थी कि मुझे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है. I'm feeling. So, you know, I think that's very important. And all of us, it's okay. Don't be hard on yourself when you behave badly. That's very important to know. Because we judge ourselves all the time. But, you know, talking about conversations, I think my family, poor things, every time they saw any program, I remember there used to be this show, Jeena Isi Ka Naam Hai. Usme Hema Malini Ji ka ek interview aaya tha, jahan unhone kaha ki, I think she was doing a film down south or that didn't quite work out well, and then she started doing Hindi films and never looked back. So my father, I remember, recorded that. I was in Pune. He called me. Main FTI gayi hui thi to do a student film. Okay. I used to take up every opportunity. Jahan acting ka opportunity mile, because I felt like I'm not a trained actor. All this is my training. To papa ka wahan call aaya. He said, ab टीवी के पास हो तो टीवी ऑन करो, ये प्रोग्राम देखो, देखो व्हाट हेमा मालिनी इज सेइंग, यू नो. एंड देन माय सिस्टर वन डे कॉल्ड मी एंड सेड, डू यू नो तब्बूज़ फर्स्ट फिल्म टुक मेनी 5 or 6 इयर्स इन द मेकिंग एंड लुक एट इट, शी इज तब्बू टुडे. हर दे यूज्ड टू होल्ड ऑन टू एवरी सपोर्ट मींस सो मच, सो मच, रियली मींस सो मच. बट जो आपने बात कही ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं अराउंड मेंटल हेल्थ. और सबसे बड़ा इशू ये है कि हम बोलते नहीं एक दूसरे से, अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से, और बार बार उनसे हम सबसे कहा जाता है कि यू नो सबसे बड़ी बात है कि शेयर करो. शेयर आप अभी भी वैसे ही हैं. बिल्कुल बिल्कुल, कान चबा जाती. पर यू नो मैं अपनी फैमिली से, सिद्धार्थ से बहुत बोलती हूँ. आई फील सो मच बेटर व्हेन आई, बिकॉज यू नो आई struggle, failures are all part of life as much as success is, you know. So in between meri lagatar kuch filmein nahi chali. I was going through a bad phase. At that time I remember main roti thi,
यू नो गुस्सा निकालती थी. आई यूज टू वेंट विद सिद्धार्थ विद माई फैमिली. आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर मेरा मानना है अगर आप अपने क्लोजेस्ट पीपल से नहीं कह पा रहे हैं तो आजकल तो सभी के पास फोन है. वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लो. यू विल फील लाइक यू आर टॉकिंग टू समवन यू नो एंड देन डिलीट इट. यू डोंट नीड दैट एनर्जी बट जस्ट गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम. इट्स वेरी और इफ यू राइट राइट अबाउट इट. कुछ लोग कहते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ मारपीट कर लो क्वेश्चन को फाड़ दो. कुछ जरूरी है. बहुत जरूरी है. चलिए परिणीता और आपके फिल्मी सफर की बात करो. बट एक चीज मुझे आपसे बात करके लग रहा है कि इतने बचपन में एक जुनून और जिन भी लोगों के मन में ये आ जाता है उसके बाद वो जो ग्रोइंग अप ईयर्स होते हैं 18 ईयर ओल्ड गर्ल वो जो कॉलेज लाइफ या पार्टीज बॉयफ्रेंड्स ये वो कहीं कहीं ना कहीं वो छूट जाता है. सो कभी लगता है कि ये तो किया ही नहीं. माई सिस्टर वॉज टेलिंग मी एग्जैक्टली दैट कुछ ही दिन पहले. वो कह रही थी कि तुमने टीनेज एक्सपीरियंस ही नहीं किया क्योंकि ये भूत सवार हो गया था तुम पे. तो तुम्हारा एक ही फोकस था कि मुझे एक्टर बनना है. एग्जैक्टली. तो मुझे और कोई चीज़ भाती नहीं थी. यू नो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हैंगिंग आउट एंड आई थिंक इन दैट सेंस आई फील आई रिग्रेस्ड एज वाइज. नाउ आई एम मच फ्रीयर. आई एम easier, I enjoy life more, I travel, I you know, I just know to enjoy myself. जब मैं बड़ी हो रही थी ना वो नहीं था. तब नहीं था. तब ये सब नहीं समझ में आता था कि यार ये लड़का अच्छा है दिखता है या पार्टी कर ले. अच्छा तो बहुत अच्छे तो बहुत लगते थे पर कभी उसके बारे में कुछ किया नहीं. बिकॉज आई डिडंट थिंक आई हैड द टाइम. यू नो मैं अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहती थी. सो मेरा ये था कि ऑफकोर्स आई हैड क्रशेज एंड आई हैड माई हार्ट ब्रोकन एंड ऑल दैट. बट आई थिंक कभी कभी मुझे लगता है कि अपने आप को बिजी रखने के लिए इन दोज पीरियड्स में काम नहीं होता था ना तब मैं इन सब में इंडल्ज करती थी. वरना नो मे बी दैट्स टू क्लिनिकल अ वे ऑफ सेइंग इट बट आई एम जस्ट सेइंग दैट आई रियली डिडंट हैव द टाइम फॉर ऑल दैट. नॉट टू मेनी फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सम क्लोज फ्रेंड्स बट आई एम नॉट. I love my own company. Yeah. और इतने सालों तक मुझे झिझक होती थी ये कहने में पर मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि I'm absolutely okay by myself. I need my family at all times. But I'm not someone who can. So I have some very close friends who are from college. But कभी कभार बात होती है because they're not even in the country. You know because of time difference and all that. आप पहले ये था कि कुछ भी हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते थे पर अब ऐसा है नहीं. आई डोंट इवन फील द नीड फॉर इट. या सो यू हैप्पी बीइंग अलोन आल्सो. आई एम एक्चुअली आई एम अ होम बॉडी. मुझे घर पर रहना अच्छा लगता है और मैं इफ आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली आई एम स्पेंडिंग टाइम बाय माय सेल्फ. व्हेन आई मीन फैमिली आई आल्सो मीन सिद्धार्थ. सो यू नो सो इट्स ईदर सिद्धार्थ एंड मी और इट्स either side of the family, my family, his family. If not, I'm. जब काम नहीं कर रही होती हूँ तो I'm not up to much. हाँ आप ज़्यादा parties ये. नहीं नहीं मुझे शौक नहीं. मुझे parties में क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता. Because honestly पहले मुझे लगता था कि ये तो मेरे दोस्त नहीं हैं. मैं इनके साथ क्या बात करूँ. फिर यू नो यू से WhatsApp पर WhatsApp का जवाब देने से पहले किसी और से आप हाय बोल रहे हो. तो यू नो ये मुझे आजकल ये बहुत फेक भी लगता है. फेक लगने लग गया. तो आई फील कि आई डोंट वॉन्ट टू इंडल्ज. आई गेस इट कम्स विद अ सर्टन एक्सेप्टेंस ऑफ हु यू आर. अब मेरे से आई डोंट फील द नीड टू बी फेक ऑल्सो. यू नो अगर मुझे किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है तो मैं नहीं करूँगी. किसी और को खुश करने के लिए मैं नहीं करती अब. जैसे मैं देर आर डेज यहाँ तो कुछ भी होता है इंडस्ट्री में. सैटरडे संडे का कॉन्सेप्ट है ही नहीं. But I have a thing ki Sundays it's just you my know, time. Siddharth and me. So if someone calls me for a screening and all, I say ki main Sunday ka din hai, main nahi aaungi. Achha. Haan. But I guess pehle shayad logon ko ajeeb lage, but then I guess they'll realize or they'll respect it hopefully. You know, because I'm not going to lie to you saying किसी की तबीयत खराब है या मुझे कुछ. मैं यही बोलने वाली थी कि otherwise लोग कुछ बहाने बनाते हैं. Because I would have loved like, to come, but yeah, but I don't feel the need to fake it anymore. I feel like यही है भाई. Like I remember calling Rishi Kapoor for the screening of Dirty Picture. He said 8 बजे के बाद मैं नहीं देखूँगा. हाँ, I like my drink at 8 o'clock.
So tell me, is there an earlier screening? There was an earlier screening. So I called him for a screening at 4 o'clock. वो देख के चले. I love that honesty. कि कोई बहुत कम मिलती है. Yeah. बहुत कम मिलती है. But I love that. I respect that. You know. और क्या होता है, झूठ आप बोलते हो तो वो याद भी रखना पड़ता है कि अच्छा क्या बहाना बनाया था पिछली बार. यू नो, 10 बार आप वही झूठ नहीं बोल सकते. विनोद चोपड़ा का कहना था कि यू नो, मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, फिल्म का नाम परिणीता है, इट्स अ टाइटल रोल, तो मैं आई डोंट वांट टेक अ रिस्क. बीच में एक फेज आया था जब आपने काफी फ्लॉप्स. दैट वाज अ वेरी टफ टाइम. अगेन अ रिटर्न ऑफ द टफ टाइम. या बिकॉज यू नो, फर्स्ट दे आर सेइंग अरे द फोर्थ खान. हाँ, और आई डिडंट बिलीव इट, बट कहीं ना कहीं यू बाय इनटू इट ना, बिकॉज इट साउंड सो गुड. एंड देन दे आर सेइंग शीरो एंड ऑल दैट, और उसके बाद टक 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 टक, यू आर जस्ट, इट्स अ डाउनवर्ड स्लोप. एंड यू आर वंडरिंग कि अच्छा ये क्या फ्लूक था. व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दैट हाई, आई थॉट कि इसके बाद आई एम अनटचेबल. I'll be very honest with you. One of my neighbors was unwell. I visited the hospital. They said, "Oh, we think that she's having a baby." And then my kurta must have been sticking to my body. And they said, "Oh, look at her stomach." And I finally turned around and said, "Listen, I've never had a flat stomach. That's my stomach regularly." एक बुरी आदत आपकी जिसके बारे में कोई नहीं जानता. अगर आप कभी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगी तो उसका नाम क्या होगा? एक ऐसा रोल जो आपको दुख होता है कि आपने नहीं किया. Regret giving up. How do you want to be remembered forever, Vidya? कैसे लोग आपको याद रखेंगे?